गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने में कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन तीन तरह का होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। यह उसी का पार्ट है जो पिछले क्लास में मैं ऑस्मोसिस पढ़ा चुका हूं। ऑस्मोसिस पढ़ाया गया था, उसमें हाई कंसंट्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेटेड वाटर मीडियम में मूव करता था थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब वह क्रिया तो वहां हो गई, वही क्रिया यहां भी हो रही है, लेकिन उसे विशेष रूप से प्रैक्टिकल के रूप में जानने के लिए, तो प्रैक्टिकल के रूप में जानने के लिए हमने यहां पर एक अंडा लिया है। अंडा जानते हैं, मुर्गी का अंडा जो होता है, मुर्गी के अंडे को ऊपर का जो कैलकेरियस पार्ट है, जो हार्ड उसका कवरिंग होता है आउटर लेयर, उसको धीरे से हटा देना है, कच्चे को, पक्के को नहीं, धीरे से उसको हल्का सा फोर करके हटा देना है, ताकि उस कैलकेरियस व्हाइट पार्ट के नीचे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसके अंदर में अंडे का सारा जो इंटरनल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होता है वह रहता है, वो फूटे नहीं, इस तरह से हटाना है। वो हट जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी सावधानी करनी पड़ती है तो वो हट जाता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंप्लीटली बच जाता है। अब क्या करना है कि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के आधार पर तीन तरह का सॉल्यूशन है, जिसमें सबसे पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहां पर देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सांद्रन। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है, किसमें, एक बीकर लिया है, इसमें जल भर कर ये सॉल्यूशन बना, नमक का हो, नमक का ही मोस्टली बनाया जाता है, तो इसको नमक का सॉल्यूशन इसमें भर दिया है और इसके अंदर में अब एक अंडा को रखा है। प्राइमरी स्टेज में देखिए अंडा है, यहाँ पर दिया हुआ है, यह जो है ये एग है, हाई कंसेंट्रेटेड एग का यहाँ पर देकर के बताया गया है। अब कंसंट्रेशन जो है, यहां ध्यान देने की बात है, हाई कंसंट्रेट एग है, एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन हाई है, अर्थात उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मात्रा कम है, और बीकर में जो जल रखा हुआ है, इस जल में हम अंडे को रख देते हैं। अंडे को जब रखते हैं तो अंडे के चारों तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहां पर देख लीजिए, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर में साइटोप्लाज्म जो है उसमें जल का कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूट जो है साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसके कारण क्या है कि बाहर का जो जल का कंसंट्रेशन है वो तो हाई है। अब वो जलीय कंसंट्रेशन हाई होने के कारण और अंडे के अंदर में जल का कंसंट्रेशन कम है, तो उस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो है, पतला सा झिल्ली जो है, उसके द्वारा देखिए वाटर जो है अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, ये तीर के निशान से दिखाया गया है, एरो लगा हुआ है, हाई कंसंट्रेटेड एग है और यहां पर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यह जल है मोस्टली। अब इसमें क्या है कि यह जल इसमें सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होकर के प्रवेश करेगा, जब प्रवेश करेगा तो ये अंडा का जो साइज है वह बड़ा होना शुरू होगा, यहां पर लिखा हुआ इनलार्ज एग, दूसरा डबल डबल लाइनिंग जो दिया हुआ है, यह अंडा पानी को एब्जॉर्ब कर करके यह बड़ा हो गया है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होने के कारण और इसके अंडे का कंसंट्रेशन के अंदर का कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसके कारण क्या है कि पानी अंदर की ओर जो है अंडे के अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है कंटिन्यूअसली, और एक समय आता है कि वह
अंडा इतना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कि वह बस्ट कर जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, वह बस्ट कर जाता है, फट जाता है, जो यहां पर आपको दिखाया गया है बोर्ड पर फटा हुआ अंडे का स्ट्रक्चर है। तो अब आप यहां पर देख लीजिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि उसमें सॉल्यूट की मात्रा लगभग नहीं है, यानी कि हम लोग फ्रेश वाटर लिक्विड लिए हैं और तब उसमें एक अंडा को रखा है। अंडा को रखने के ऊपर से कैलकेरियस पार्ट को हटा करके और अंदर का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को रहने दिया गया है और उसके बाद उसको अंडे को रखा गया है। तो उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा के माध्यम से बाहर का जल अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है और अंदर की ओर जब प्रवेश कर रहा है तो हो क्या रहा है कि अंडे का साइज बढ़ता जा रहा है। अंडे का साइज बढ़ते 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 एक टाइम आता है कि वह अंडा के अंदर प्रेशर जल का इतना ज्यादा हो जाता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है, मुलायम सॉफ्ट होता है, वह फट जाता है और फट जाता है तो अंडा बिखर जाता है, जिसका तस्वीर यहां पर बोर्ड पर बताया गया है। अब यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का हो गया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन भी यहां पर लिखा गया दिया गया, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज लेसर देन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल सिस्टम्स देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब यह हुआ कि जब कोई भी सॉल्यूशन हो उसका कंसंट्रेशन जो है जब बायोलॉजिकल सिस्टम के कंसंट्रेशन से कम होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो और बायोलॉजिकल सिस्टम का कंसंट्रेशन तो ज्यादा होता ही है तो क्या होगा कि वह बायोलॉजिकल सिस्टम लाइक एग जो है वह एग वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और इस तरह से अंडा पानी को एब्जॉर्ब करते करते फट जाता है। यह हुआ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी और उसका डेफिनेशन यहां पर दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि वहां पर बायोलॉजिकल सिस्टम का कंसंट्रेशन और जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होगा, फिर उसका भी प्रैक्टिकल करके हम लोग आपको बताएंगे। आज अभी तक इतना ही, धन्यवाद।